सभी को जोहार। आज यहां रांची के स्मार्ट सिटी के इस क्षेत्र में दो योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी बन्ना गुप्ता जी, नगर विकास विभाग मंत्री हफीजुल हसन जी, या उपस्थित राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, यहाँ उपस्थित हमारे ACS अविनाश जी, नगर विकास सचिव सुनील जी, और विशेषकर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं अपोलो हॉस्पिटल के शिलान्यास कार्यक्रम में अपोलो समूह के वाइस चेयरमैन डॉक्टर प्रीता रेड्डी जी, और आप सभी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज गरीबों के लिए आवास आवंटन का भी शुभ दिन है। आज इस्लाम नगर में लगभग 290 घर से अधिक घर बना करके आप सभी के बीच में वितरित किया गया है। आज के आपके इस गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर आप सब लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ही के दिन हम एक और महत्वपूर्ण कड़ी इस राज्य के हिस्से में जोड़ने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, और वो है अपोलो इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 300 बेड का यहाँ अस्पताल, जो विश्व स्तरीय का होगा, उसका आधारशिला रखने आए हैं। और आप लोगों ने देखा, और सरकार की भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं एक आम नागरिक के नाते, उन सब विषयों को लेकर हम लगातार प्रयासरत हैं। झारखंड स्वास्थ्य सेवा को लेकर हमेशा चिंतित रहा है, लेकिन स्वास्थ्य सेवा के सुधार को लेकर अगर हम देखें कि बदलाव के रूप में देखें, तो आज के दिन में भी बहुत कमी दिखती है। आपको याद होगा 2019 में कोरोना जैसा महामारी हमारे पूरे दुनिया में छाया, और कोरोना ने पूरे दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी। हमारे जैसे राज्य में जहां डॉक्टरों का अभाव, अस्पतालों का अभाव, दवाओं का अभाव के बावजूद सिर्फ एक बेहतर प्रबंधन की वजह से कोरोना के इस लड़ाई को हम लोगों ने जीता। ये संयोग भी है, किस्मत ने भी साथ दिया, और हम इससे जूझते हुए निकल भी गए। कई राज्यों में तो हालत इतनी बुरी रही जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, और ये हमारे लिए गौरव की भी बात है। पूरे देश को कोरोना के इस उस महामारी में
अगर देश को बचाने का काम किया गया और देश को ऑक्सीजन का सप्लाई भी हुआ है, वो तो झारखंड प्रदेश से ही पूरा देश में सबसे अधिक हुआ था। कोरोना के इस स्वास्थ्य व्यवस्था की दशा को दर्शाते हुए हम लोग दिन रात प्रयासरत थे। आज एक और कड़ी हम लोगों ने जोड़ा और कल ही परसों हमने जमशेदपुर में भी, जमशेदपुर कोल्हान वासियों को 750 से अधिक बेड वाला मेडिकल कॉलेज उपलब्ध कराया, उसका उद्घाटन किया और कोल्हान की जनता को समर्पित किया है। ये रांची शहर से कुछ ही दूर इटकी के पास भी हमारे जो प्राइवेट समूह हैं, जो दुनिया में बेहतर सेवा दे रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, उन लोगों ने अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके सहयोग से इस राज्य में भी अलग अलग क्षेत्रों में जो सबसे अति आवश्यक है, उनसे सहयोग लेकर उस क्षेत्र को मजबूत करने में हम लगे हैं। इटकी में भी स्वास्थ्य सेवा को लेकर के एक भव्य कैंपस तैयार किया जा रहा है, जहां अजीम जी फाउंडेशन के माध्यम से बहुत जल्द वहां भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड से बड़े पैमाने पर लोग अलग अलग राज्यों में स्वास्थ्य को लेकर के आने जाने का निरंतर और अनवरत लोगों का आना जाना रहा है। झारखंड में अत्यंत गरीब पिछड़े लोग हैं, दूसरे राज्यों में जाकर के इलाज कराना उनके लिए बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने इसी राज्य में आपके आसपास राज्य का, देश का बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो, इसको लेकर हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं और हम चाहेंगे कि अस्पताल जल्द से जल्द बन के तैयार हो और राज्य की जनता की सेवा पर ये अपने कार्यों में लग जाएं। और इसके लिए जो भी आवश्यकता सहयोग होगा वो राज्य सरकार की तरफ से अपोलो समूह को दिया जाएगा। आज का इस राज्य के लिए भी एक उत्साह का दिन है और यहाँ के गरीब गुरुवा लोगों के लिए भी आज उत्साह का दिन है कि आज आपको, आज के इस त्यौहार में भी आपको एक बेहतर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है, जहाँ आप नई जीवन और नई शुरुआत और खुशहाल जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए इन्हीं बातों के साथ आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जोहार।